गैस को ऑन करके पतीले को ऊपर रखें, फिर उसमें आधा कप पानी डालें, फिर इसको डालना है टी साल्ट, इसको बोलते हैं चाय पत्ती, ज़्यादा नहीं डालनी है, चाय पत्ती डालनी है दो चार दाने, और इसको रखना है उबालने के लिए, और इसको फिर हम रखेंगे उबालने के लिए, ना इसको रखेंगे हम ग्रह करने के लिए, फिर ये ग्रेकेगा 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 ये ग्रक रहा है धीरे धीरे, इसको कितना टाइम लगता है सर ग्रकने में? इसको लगेगा 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट इसको लगेगा ग्रकने में, हम इसको ग्रकने के लिए छोड़ते हैं तब तक। ये ग्रक रही है तो इसका रंग जो है वो क्रोहन हो जाएगा, तो वजल हो जाएगा। अब इसको जल्दी वजल करने के लिए हम ये करेंगे, ये चोंच से ऊपर नीचे, जैसा आप देख रहे हैं ओवन जो है वो ग्रक गया है और ये वजल होने वाला है, थोड़ा थोड़ा वजल होने लगा, थोड़ा थोड़ा जो है ये वजल हो रहा है, ये दो तीन फिर बाहर गिर रहे हैं, इसमें हम फूल नहीं डालते, इसमें फूल क्यों नहीं डाला आपने? हम नहीं डालते हैं फूल, हम फूल नहीं ना खाते हैं, उससे क्या होता है, फूल से बहुत चीज होते हैं, इसलिए हम फूल यूज नहीं करते हैं। नहीं, फूल को इसमें क्यों डालते हैं? फूल को इसीलिए डालते हैं क्योंकि इससे कलर थोड़ा सा आता है। अच्छा, कलर के लिए फूल डालते हैं। तो हमारे जो भी दर्शक हैं वो फूल डाल सकते हैं, उससे थोड़ा कलर और आता है, पिंक आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर आता है, ये देखिए आप रेड हो गया है, ये अभी नहीं हो रहा, अभी हो रहा है रेड, ये इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, हमारे आवाज को चास आती है, देखिए लाल हो गया। ये टेक्निक आपको सिर्फ हमारे बाज बता सकते हैं, ये वाली टेक्निक, ये टेक्निक और किसी को पता नहीं थी, ये इन्होंने चाय को मार मार के लाल कर दिया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ये, वरना आधा घंटा लगता है इसको लाल होने में, ग्रक लाने में, ग्राख लगने में, मगर इन्होंने इसको मार मार के लाल कर दिया। अब चौंचा में पानी ये उठाया, चाय डाल के इसमें दूध डाला थोड़ा सा, तो ये कलर देखने के लिए अभी नहीं आया है कलर, तो अभी फिर ग्रकनाएंगे इसको, इसको और ग्रकनाएंगे अभी, लगाएगा। अब हम इसमें डालेंगे दूध,
फूक मार के दौड़ डालेंगे इसमें। लाल हो गया, ये कलर पकड़ लिया है, नुन चाय, शीर चाय, और लद्दाख में भी इसको नमक वाली चाय बोलते हैं। लद्दाख में इसमें बटर भी डालते हैं, मगर हम नहीं डालेंगे। ये कलर आ गया, ये आ गया कलर, इसको बना है, बहुत बेहतरीन कलर आ गया है। हम इसे थोड़ा नून डालेंगे, अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसको हम फिर ग्रकने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, अच्छा चोंचा से ही हिलाएंगे। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा हम ग्रकनाएंगे, और ये नोनी चाय आपकी तैयार हो गई है। अब इसको गिलास में डालकर पिएंगे।